हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मेमोरी कार्ड की ज़रूरत तो पड़ती होगी, और आप ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट कहीं भी मेमोरी कार्ड तो कभी ना कभी खरीदते ही होंगे। तो लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता कि आपको कौन सा मेमोरी कार्ड एक्चुअली चाहिए, तो आप कुछ भी मेमोरी कार्ड खरीद लेते। जैसे किसी मेमोरी कार्ड के ऊपर लिखा रहता 32 GB, 64 GB, और उसका प्राइस डाउन रहता, आप उसको देख के ही खरीद लेते हैं। तो दोस्तों, जो चीज़ अच्छी होती है उसका प्राइस डाउन बहुत ही कम होता है। तो दोस्तों, आज मैं जितने भी सारे मेमोरी कार्ड के टाइप है उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मेमोरी कार्ड का फिजिकल स्पेस, मतलब फिजिकली मेमोरी कार्ड दिखता कैसा है। तो दोस्तों देखिए, मेरे पास दो मेमोरी कार्ड है जिसके बारे में आज बात करूंगा मैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये, तो दोस्तों इसको बोलते हैं SD कार्ड। फिजिकली ये इसी स्टैंडर्ड का होता है, और आप देख सकते हैं इससे थोड़ा छोटा, फिजिकली थोड़ा छोटा है, लेकिन इसको माइक्रो SD कार्ड बोलते हैं। दोनों का काम सेम है। तो दोस्तों ये था फिजिकल स्पेस। अब देखते हैं डिजिटल स्पेस, मतलब उसमें डिजिटली कितना स्पेस रहता है। जैसे कि आप लोग तो देखे होंगे 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, जितने भी सारे मेमोरी कार्ड है इसको बोलते हैं मेमोरी कार्ड का डिजिटल स्पेस। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग डिजिटल स्पेस को अलग अलग नाम दिया गया है। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं SD कार्ड, और यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो SD, मतलब जो छोटा है उसके सामने सिर्फ माइक्रो लगा है, वरना दोनों का काम सेम है। तो यहाँ पे SD कार्ड और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड। तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड देखते हैं। यहाँ पे यह है SD स्टैंडर्ड और यह है माइक्रो SD स्टैंडर्ड, मतलब जो मेमोरी कार्ड जिसका मैक्सिमम स्पेस 4 GB तक का होगा उसको बोलेंगे SD स्टैंडर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड SDHC, और यहाँ पे होगा माइक्रो SDSC। यहाँ पे HC का फुल फॉर्म होगा हाई कैपेसिटी। जो मेमोरी कार्ड 4 GB से लेकर 32 GB तक का होगा उसको बोलेंगे SC स्टैंडर्ड, और यहाँ पे माइक्रो SC स्टैंडर्ड, इसका भी 4 GB से लेकर 32 GB तक होगा। इसके बाद SDXC, XC का मतलब होता है एक्सटेंडेड कैपेसिटी। एक्सटेंडेड कैपेसिटी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा कैपेसिटी का होगा। तो XC का मतलब होता है 64 GB से लेके 2 TB तक। इसका मतलब 64 GB से ऊपर जितने भी आपको मेमोरी कार्ड मिलेंगे वो SDXC कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों ये था इसका डिजिटल स्पेस। दोस्तों आप बात करेंगे, जैसे कि इसका डिजिटल स्पेस देख लीजिए, फिजिकल स्पेस देख लीजिए। जैसे आप एक चार्जर को सोचिए, जैसे कि चार्जर छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, किसी किसी फोन के साथ चार्जर बड़ा आता है, किसी किसी फोन के साथ छोटा आता है, लेकिन वो अलग अलग साइज का होता है। लेकिन अगर चार्जर का चार्जिंग स्पीड देखेंगे तो उसके अंदर एम्पियर रेटिंग रहता है कि 2 एम्पियर का चार्जर है, कि 3 एम्पियर का चार्जर है, उसमें कितने वाट का चार्जर है, मतलब उसमें कितना एम्पियर और वाट लिखा होता है उसके हिसाब से आप उसका स्पीड देखते हैं, मतलब आपका फोन कितना स्पीड में चार्ज होगा। सेम इसमें ही हम जो डिजिटल स्पेस वगैरह देख चुके हैं, अब इसका स्पीड देखेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों देखिए, 4 GB का जो SD कार्ड होता है, और एक होता है 128 GB का SD कार्ड, मतलब आप 4 GB SD कार्ड में अगर आपका पूरा काम हो जा रहा है, मतलब आप नॉर्मली लो क्वालिटी का फोटो खींच रहे हैं, लो क्वालिटी का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आपको अगर 128 GB की जरूरत पड़ रही है, मतलब आप हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप हाई क्वालिटी में फोटो क्लिक कर रहे हैं, और आप जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें भी हाई क्वालिटी का होगा, तो देखिए दोस्तों 128 GB आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए प्लस स्पीड भी ज्यादा चाहिए। तो यहीं पे हम लोग कुछ स्पीड का कैटेगरी देखेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों अगर स्पीड का कैटेगरी देखा जाए तो पहले क्लास 2 से लेके क्लास 4, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 10 तक होता है। तो अलग अलग क्लासेस है मेमोरी कार्ड की स्पीड का। तो जो क्लास 2 का है उसका मिनिमम स्पीड 2 MB/s है, और ऐसे जिसमें क्लास 10 लिखा है उसका मिनिमम स्पीड 10 MBPS है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 क्लास और 10 क्लास में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही जब आप हाई कैपेसिटी और एक्सटेंडेड कैपेसिटी का मेमोरी कार्ड खरीद रहे हैं तो उसमें स्पीड तो और ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए दो स्टैंडर्ड है, UHS-1 और UHS-3। तो ये जो स्टैंडर्ड, इसमें UHS-1 का मिनिमम स्पीड 10 MBPS है और UHS-3 का मिनिमम स्पीड 30 MBPS है। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड के कौन कौन से सेक्शन को क्या बोला जाता है और मेमोरी कार्ड के ऊपर क्या लिखा रहता है। तो दोस्तों अगर आप हाई क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, हाई रेजोल्यूशन फोटो खींचना चाहते हैं, तो नॉर्मली आपका जो क्लास 10 के नीचे जो मेमोरी कार्ड है उसको मत खरीदिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका फ्रेम ड्रॉप होगा, आपकी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं होगी।
तो आपको अगर हाई क्वालिटी के वीडियोस, हाई क्वालिटी के फोटोज रिकॉर्डिंग करने हैं तो आपको क्लास 10 से ऊपर मेमोरी कार्ड लेने चाहिए। तो दोस्तों हम लोग जितने भी अभी स्पीड देखे ये सब तो थियोरेटिकल है कि ये सब इतना मिनिमम मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके ऊपर मैक्सिमम जितने भी आपको स्पीड मिलेंगे वो अलग अलग कंपनी के जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से वेरी होगा। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेमोरी कार्ड के फिजिकल डिफरेंस क्या है और इसके डिजिटल स्पेस में डिफरेंस क्या है और इसके स्पीड में कौन कौन से डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों मेमोरी कार्ड के ऊपर बहुत कुछ लिखा हो सकता है, अल्ट्रा फास्ट, ए फास्ट, ओ फास्ट, तो उसके ऊपर आप मत जाइए। जो स्टैंडर्ड मैं बताया हूँ नॉर्मली आप उसी को फॉलो कीजिए, आपको एक अच्छा खासा मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो रोज लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।